गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे विलेज गार्डन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक परमानेंट प्लांट के बारे में बात नहीं करती, सस्टेनेबल प्लांट के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है पेरिस डेजी। ये फूल दिखने में, इसका फूल बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप। इसका बीच में येलो है, सेंटर पे येलो है और जो पेटल्स हैं वाइट कलर की हैं। मेरे पास इसकी दो वैरायटी हैं, एक ये और एक ये येलो। अब ये सब सूखने लगे, इनका सीज़न जाने लगा है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से अब ये सब सूखने लगे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर इनको ग्रो करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ये जो फ्लावर हैं बिल्कुल जब सूख जाते हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल ये अभी भी ये बिल्कुल नहीं सूखा है। ये बिल्कुल सूख जाए तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से कट करिए और फिर तोड़ लीजिए और थोड़ा सा धूप में और इनको डाल दीजिए कि अच्छे से ये सूख जाए, इससे हमारे जो बीज है वो ख़राब ना हो। और फिर आप नेक्स्ट ईयर में इनको उगा सकते हैं, वही नवंबर और दिसंबर में अच्छे से, वही कोको बीट वगैरह में, कोको बीट मिला और कंपोस्ट वगैरह इसी में डाल के आप उगा सकते हैं और ढेरों सारे प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं घर पे ही। नर्सरी से लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद से ये ग्रो किया हुआ है। देखिए, देख सकते हैं आप कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए, ये ओनली एक प्लांट है, देख सकते हैं बस एक प्लांट है, लेकिन इतना पुसी हो गया है और इतना बड़ा हो गया है, देखिए। और ये बस थोड़ी सी मिट्टी पे लगा हुआ है, आपको जो मैंने कल वाले वीडियो पे बताया था, मैंने जो क्यारी बनाई थी ईंटे से साइड पे, ये इसी पे लगा हुआ है, कोई बहुत बड़े गमले पे और बहुत सारी मिट्टी पे नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। अगर आप टाइम से इनको टाइम किंग की सीडलिंग कर देते हैं और टाइम से इन्हें रिपोर्ट कर देते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और फ्लावर भी बहुत सारे आते हैं। ऐसे होता है कि टाइम जाने, सीजन जाने वाला होता है, आप लगाओगे तो थोड़े फूल कम आएंगे और इनकी अच्छी, इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ऐसा करिए, आपकी नवंबर दिसंबर में कैसे भी आप सीडलिंग करके जल्दी से जल्दी बहुत तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लगाइए तो आपको इसके बहुत सारे ढेरों फ्लावर मिलेंगे। और इसको आप पूरे सनलाइट में भी रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे दिन भर अगर इसको धूप मिलती है तो इसमें और ढेरों सारे फ्लावर्स निकलेंगे। और पानी की, रही पानी की बात, ना इसको पानी ज़्यादा चाहिए ना पानी कम चाहिए, तो आप ऐसा करिए, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर जिसके पास भी ये प्लांट्स हैं तो आप दिन में एक बार तो पानी दे ही सकते हैं, सुबह या शाम मिट्टी में किसी एक टाइम दे दें तो अच्छा है। इससे क्या होता है, पेड़ हमारा जो सूख जाता है, थोड़ा सा लगता है कि सूख गया, शाम को पूरे दिन भर की धूप लगती है उसको, तो आप पानी डाल देंगे तो थोड़ा उसमें जान सी आ जाती है, जैसे हम इंसानों में आ जाती है पानी पीते ही, वैसे इनमें भी आ जाती है। तो आप ऐसा करिए, दिन में एक बार तो पानी डालिए ही। और फिर क्या है, आप जिनके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो वो उनके यहाँ पेड़ थोड़े ज़्यादा दिन तक चलते हैं, उधर मार्च अप्रैल तक चलते रहेंगे। मेरा तो अभी सूखने वाला है, मार्च चल रहा है, थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। जो अभी तक ये जब फूल सूखे नहीं थे ना तो पूरा बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर किया था मैंने ग्राउंड में लगाया था बहुत ज़्यादा इसके प्लांट से, मेरे पास लमसम 100 प्लांट रहे होंगे इसके, इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो मत। लेकिन इस बार क्या हुआ, मेरे बीज ख़राब हो गए बारिश में, तो
मैं ऐसा करूँगी कि आप पहले से ही रख लिया करूँगी धूप में अच्छे से सुखा के, कि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाए। आप लोग भी रख सकते हैं ऐसे ही, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स आप नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिन्हें आपको मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ेगा, आप घर पे ही उनकी पौध तैयार करके पोटिंग कर सकते हो। और ये ना छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, बस कितना 5-6 इंच का हो, 10 इंच का हो, आप कितने भी बड़े या कितने भी छोटे पॉट पे लगा सकते हो, लग जाएगा आसानी से। ये है कि पॉट थोड़ा बड़ा होगा तो जो मेरा पेड़ होगा, प्लांट होगा, वो काफ़ी उसकी हाइट होगी ऐसा, लेकिन फिर भी फ्लावर बहुत सारे देगा वो। तो आप लोग इसको नेक्स्ट ईयर अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करना, फिर बताइएगा कि कैसा लगा लगा के आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी मेरे जाने का समय हो गया है, तो बाय दोस्तों।